और अजय देवगन सर भी थे वो प्रेस मीट पे, और सो उनके सपोर्ट के साथ ही फर्स्ट मैंने इंट्रोड्यूस हुआ। सो गाइस, सुपरस्टार नानी की फिल्म दशहरा आप लोगों को पता है कि 30 मार्च यानी कि अजय देवगन की फिल्म भोला के साथ क्लैश होने जा रही है। जी हां गाइस, तो एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जैसे कि आप लोगों ने इंटरव्यू में देख ही लिया होगा कि नानी सुपरस्टार ने तो अजय देवगन के बारे में तारीफ करते हुए कहा कि जब मैं मक्खी के लिए प्रमोशन के लिए मुंबई आया था तो अजय देवगन भी सर वहाँ पे थे और उन्हीं की बदौलत मैं पूरे के पूरे थे इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन गाइज अभी दूसरी बार मुंबई में आ रहा हूँ और पूरी तरह से मेरी मूवी लेकर आ रहा हूँ और 30 मार्च को अजय देवगन के साथ ही मेरी मूवी आ रही है, तो मैं भी अब प्राउड फील करता हूँ कि उन्हीं के साथ मेरी मूवी आ रही है और उनके साथ ही मैं अब फिर से प्रोड्यूस यानी कि इंट्रोडक्शन होने जा रहा है। जी गाइज, तो अगर मैं मुंबई में रहा तो पहले भोला मूवी देख जाऊंगा, उसके बाद दशहरा मूवी देखूंगा। जी हां, तो इतना शानदार रिप्लाई देते हुए नानी यानी फिर दशहरा के सुपरस्टार ने इतना अच्छा रिप्लाई दिया जाकि जो कि अजय देवगन को अच्छा लगे और उनके फैंस को भी अच्छा लगे। जी हां, तो इन दोनों का क्लैश होने जा रहा है इस 30 मार्च को और पूरी तरह से फंटेस्टिक क्लैश होगा और देखना दिलचस्प होगा अब इन दोनों में से बाजी कौन मारेगा। जी हां, तो अभी अपनी राय तो पूरी सुपरस्टार नानी ने रख दिया और नानी ने यह भी लास्ट में कहा कि आप भी वैसे ही करना जैसे मैं करूँगा कि सबसे पहले भोला मूवी देखना उसके बाद मेरी मूवी दशहरा। जी हां गाइस, तो आपको क्या लगता है गाइस इन दोनों मूवी क्लैश में से क्या होगा, क्या दोनों की दोनों बाजी मारेंगी, फिर दोनों मूवियों को नुकसान होगा, क्या होगा? जी हां गाइस, तो एक मूवी है पैन इंडिया फिल्म जो कि दशहरा, दूसरी अजय देव उनकी फिल्म यानी कि भोला वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी सर्किट में रिलीज होने जा रही है। जी हां गाइस, तो फिर भी हिंदी सर्किट में इन दोनों का क्लैश होगा और गाइस दोनों का दोनों बॉक्स उस पर कैसा होगा, कैसा कमाल होगा, कैसा नहीं होगा, ये आने वाले यानी कि 30 मार्च को पता चल जाएगा। जी हां गाइस, तो आपको क्या लगता है आज दशहरा मूवी के सुपरस्टार ने कैसा जवाब दिया, अच्छा या फिर बुरा?